लीजिए, देखिए मैं एग वाला आटा केक बना रही हूँ। हार्दिक को बहुत मन था खाने के लिए, मुझे रोज़ बोलता है मम्मी केक बना दो खाएंगे, मुझे खाना है। तो इसमें मैंने एग डाला है और 3 एग, 1 कप आटा, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा मिल्क और क्या डाला था, और चीनी तो लगेगा ही, चीनी तो चाहिए और कुछ नहीं। बाकी मैं बेकिंग सोडा वगैरह नहीं डालती, ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे के लिए बनाती हूँ ना। तो बन रहा है मेरा एक वाला केक, दिखाते हैं एक वाला आटा केक। अब मैं इसको फेंट रही हूँ और हो जाएगा, बहुत टाइम से फेंटा है मैंने, अभी लम्स भी नहीं है इसमें। और जो लम्स जैसा आप लोगों को दिख रहा है वो चीनी है, मैंने चीनी को पीस के नहीं डाला है, ऐसे ही डाला है, मुझे ऐसे ही डालना अच्छा लगता है और ज़्यादा लोग पीस के ही डालते हैं। तो बनाते हैं केक, बाद में दिखाते हैं आप लोगों को। ये है दोस्तों मेरा केक, देखिए अभी भी बहुत ही गर्म है और एकदम फूला हुआ है, जैसे जबकि मैंने इसमें बेकिंग सोडा इनो कुछ भी नहीं दिया था, फिर भी फूला, मतलब अच्छे से फूला है केक देखिए। और इसे मैं निकालती हूँ अभी कुकर से, हार्दिक बहुत ही एक्साइटेड है खाने के लिए, गर्म है बहुत। तो ये है हार्दिक केक खाने के लिए रेडी, लेकिन केक अभी ठंडा नहीं हुआ है, मैंने इसको इसलिए बाहर नहीं निकाला है क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाए तभी निकालूंगी, नहीं तो गर्मा गर्म निकालूंगी तो टूट जाएगा। तो इसीलिए हार्दिक भी वेट कर रहा है और मैं भी। तो गाइस ये देखिए मेरा केक मैंने टिन से बाहर निकाल लिया है और कितना अच्छा, मतलब एकदम कहीं से भी कटा फटा फूटा टूटा फूटा नहीं निकला है, एकदम प्रॉपर तरीके से राउंड शेप में निकला है, देखिए कितना अच्छा बना है मेरा केक। और अभी मैं हार्दिक के हाथों से किसको केक कटिंग करवाऊंगी क्योंकि बच्चों को केक कट करना बहुत अच्छा लगता है ना। और वैसे भी हम बाहर से भी ला सकते थे केक, बट नहीं, बाहर का केक वगैरह उतना हेल्दी नहीं होता और इस टाइम तो हम बाहर की चीज़ों को जितना चाहे उतना अवॉइड कर रहे हैं, है तो उसको घर में ही बना के दिया अच्छे तरीके से, पूरा हाइजीन मेंटेन करके पूरा घर में ही बना के दिया इसको। और ये पूरा केक को एकदम से काट कूट दिया हार्दिक और उसको एंजॉय करने देंगे क्योंकि उसका बहुत ही मन था और बच्चों का जो मन है वो अगर माँ बना के दे तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। और ये देखिए हार्दिक फर्स्ट बाइट लेगा, टेस्ट कर रहा है कैसा होगा ये बताइएगा कैसा बना है। और हार्दिक की तरफ से मुझे थम्स अप मिल गया है, देखिए केक मतलब बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी, सीरियसली गाइस ये केक बहुत ही अच्छा बना था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। हाँ अभी मॉर्निंग के 7 बजे हैं, अभी को ड्यूटी जाना है तो मैं उनके लिए दाल फ्राई बना रही हूँ और साथ में रोटी, तो जल्दी उठना होता है तो अभी मैंने सोचा रोज़ क्या सब्जी वगैरह बनाओ है ना, तो आज मैं दाल फ्राई बना रही हूँ थोड़े आलू के साथ, तो देखिएगा कैसे बनता है। हाँ तो ये हार्दिक और हमारे लैंडलॉर्ड के घर के बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं उन लोगों के घर में। तो ये लोग आँखों में पट्टी बांध के जो मटका फोड़ते हैं ना वो खेल रहा है, ये इस बार हार्दिक की बारी है, लेकिन देखो कहाँ घूम रहा है डंडा लेके, कितना मुझे मतलब इतनी हंसी आ रही थी इन लोगों को देख के, मैंने सोचा थोड़ा शूट कर लो, थोड़ा बचपन में ऐसे हमने बहुत ही खेला है, बहुत ही एंजॉय किया है, बट आजकल बच्चे उतना खेलने को मैं नहीं मिलती। हार्दिक को जैसे पसंद है तो मैं खेलने देती हूँ इसको। तो गाइस देखिए आज भी यहाँ भी एकदम बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और न्यूज़ वगैरह में भी इन दिनों पढ़ ही रही हूँ कि आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में बहुत बारिश होने वाली है। और हार्दिक देखो
पूरा हाथ अपना भिगो लिया है बारिश के पानी से। और गाइस बारिश अच्छा लगता है, बट हद से ज़्यादा हो जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। मतलब बारिश इन दिनों ना हद से ज़्यादा हो रही है, क्या करें। और हार्दिक देखो एंजॉय कर रहा है, बच्चों को तो मोस्टली पानी बहुत पसंद है ना, बहुत एंजॉय करता है। और उस दिन बारिश के कारण और ब्लॉगिंग्स वगैरह नहीं की थी। ये नेक्स्ट डे का पार्ट है जहाँ थोड़ी धूप निकल आई है और हार्दिक वही बारिश के पानी में खेल रहा है। होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब।